है दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के गुरु मैथ प्रैक्टिस। यस के गुरु मैथ प्रैक्टिस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष क्यों ले जाएगा, क्या है? अमित यादव, रामजी यादव, देवेश यादव, आनंद यादव, अंशु वर्मा, यानी क्या है, मान सिंह, जबर सिंह, ये सब भाई क्या हर वीडियो में कमेंट करते हैं क्या भाई? हर वीडियो में कमेंट करते हैं क्या भाई? अगर आप लोग कमेंट शेयर नहीं करेंगे क्या भाई, हमको नहीं पता चलेगा कि हमारे भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या भाई? सभी लोग वीडियो अंत तक देखा करें क्या भाई? सभी लोग वीडियो अंत तक देखा करें, समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। क्या है यहाँ पे आज का, क्या आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष क्यों ले जाएगा, क्या है? हथेली पर रख कर नसीब, क्या भाई? हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? क्या यहाँ पे, हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समुंदर से, क्या? सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। क्या भाई, हमें मेहनत करना है, हमें परिश्रम करना है, हमें माँ बाप का सपना पूरा करना है, जो माँ बाप ने उस सपनों को सजा के रखा है। क्या भाई, तुम्हें क्या है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। क्या भाई, तुम्हें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। अगर जिंदगी मिली है भाई, कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है, उसे बदल कर दिखाओ। अगर जिंदगी खराब है तो उसे बदल कर दिखाना है। हमें क्या है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हमें रात दिन मेहनत करना है, मैं रात दिन भाई पढ़ना होगा। क्या भाई, मनुष्य की पहचान अच्छे अच्छे कपड़ों से नहीं होती, क्या भाई? उसकी पहचान चरित्र से होती है, संस्कार से होता है भाई। आप चाहे जितना बड़ा नौकरी पा लीजिए भाई, चाहे जितनी बड़ी सरकारी नौकरी पा लीजिए, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है भाई, आप जूतों से मार खाओगे या लात से। ये दुनिया है भाई, लात जूतों से बात करती है। क्या भाई, लात जूतों से बात करती है। अगर भाई आपने देखा होगा कहीं बैंक में, कहीं भी, क्या है, जो अधिकारी, क्या है, जिसके अंदर संस्कार नहीं, वही क्या है, जनता उसे क्या है, जूतों लात से मारती है भाई। अगर नौकरी पाना है भाई, चाहे मिले या ना मिले भाई, नौकरी मिले चाहे ना मिले भाई, हमें क्या पढ़ना है, लिखना है, हमें क्या भाई, संस्कार होना है, यानी क्या है, संस्कार में रहना है, माँ बाप के संस्कार में रहना है, जो माँ बाप ने सिखाया है। क्या भाई, आज का ये है ना मोटिवेशनल, हथेली पर रख कर नसीब, क्या है, हथेली पर रख कर नसीब, तू अपना मुकद्दर क्यों ढूंढता है? सीख ले उस समुंदर से, क्या भाई? सीख ले उस समुंदर से जो टकराने के बाद क्या भाई, पत्थर ढूंढता है। क्या भाई, टकराने के बाद पत्थर ढूंढता है। सवाल नंबर क्या कह रहा है भाई, ये सवाल क्या है, ये सांख्यिकी भाई, क्या है, सांख्यिकी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, गुणनखंड प्रमेय हो गया भाई, ये सब क्या। अगर लेखपाल में नौकरी करना है भाई, अगर लेखपाल में नौकरी पाना है भाई, ये सब चैप्टर क्या भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बार। क्या भाई, महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक सांख्यिकी, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, सब भाई क्या है, हर सवाल पेपर में क्या भाई, यही सब सवाल पूछने वाला है लेखपाल में। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्या भाई, निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या भाई, निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पद है, यहाँ पे बारंबारता है भाई, पद को हमने एक समाना है, बारंबारता को एफ कहते हैं। देखिए अब क्या करना है, ये जब यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एफ है, हमने क्या लिखा भाई, यहाँ पे एफ गुणते एक्स, कितना भाई, एक्स गुणते, ये चाहे एफ गुणते एक्स कर लीजिए, चाहे एफ गुणते एक्स, चाहे एक्स गुणते एफ कर लीजिए, बात दोनों एक ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ है, यानी पद को हमने एक्स माना, बारंबारता को भाई एफ माना। अब यहाँ पे क्या लिख लिया भाई, एफ गुणते एक्स, इसका मतलब क्या भाई, दोनों का मल्टीपल यानी दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना है। दो पंजे दस, चार छंग चौबीस, सात छंग बयालीस, आठ इकन्नम आठ, नौ अठ बहत्तर, दस तिहाई भाई तीस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, जब गुणा करेंगे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ है भाई, हमने इसे क्या माना, सिग्मा एफ। अब देखिए अब दोनों को जोड़ लेना है, चार दो छ, यानी चार दो छ, छः छः बारह, बारह बारह एक तेरह, तेरह तीन कितना होता है भाई, सोलह, सोलह माठ जोड़ा भाई कितना आ गया, चौबीस आ गया। अब इसे जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, देखिए चार चार दो छ, यानी आठ छ चौदह, चौदह दुई यहाँ पे कितना आ गया भाई, सोलह, हासिल कितना बचा भाई, एक।
दो एक तीन, चार तीन सात, सात सात चौदह, चौदह तीन सत्रह, सत्रह एक भाई हो गया अठारह। अब यहाँ पे देखिए समांतर माध्य पूछ रहे हैं ना, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी क्या होता है भाई समांतर माध्य बराबर, क्या भाई समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है भाई सिगमा एफ एक्स बटे कितना होता है सिगमा एफ। अब यहाँ पे देखिए सिगमा एफ एक्स है ना भाई, सिगमा एफ एक्स का मान कितना है भाई 186, हमने कितना रखा भाई 186। यहाँ पे सिगमा एफ है, सिगमा एफ का मान कितना है भाई 24। देखिए दोनों छह से कट रहा है ना भाई, छह त्रिका अठारह, छह कन्नम छह, यानी छह चौका 24 कितना आ गया भाई 31/4। जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा भाई 7.75 ऐसे कुछ आएगा। ये हमारा क्या हो गया भाई समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना हो गया भाई 7.75। यानी इसमें क्या भाई तीन ही प्रकार के सवाल हैं, क्या भाई दो प्रकार के, या तो एक सरणी वाला होगा या तो एक साधारण वाला होगा। जैसे 4.5.6.8 का समांतर माध्य सिंपल वाला है, अब क्या भाई ये सरणी वाला सवाल है, क्या भाई ये समांतर माध्य का सरणी वाला सवाल है। इसके बाद क्या आएगा भाई वर्गांतराल में, क्या भाई यहां पे देखिए 5, 6, 7, 8। अब जैसे अगला सवाल होगा वर्गांतराल में, देखिए सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर अगला निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य, क्या भाई निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य 15 है, तो क्या भाई के का मान पूछना है। अगर भाई लेखपाल में नौकरी करना है या लेखपाल में नौकरी करना है भाई आपको पढ़ना होगा। ये क्या है मेन इंपॉर्टेंट, क्या है सांख्यिकी हो गया, गुणनखंड हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गया भाई, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब क्या भाई ये सब एडवांस मैथ है भाई, ये सब क्या है एडवांस मैथ। देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है समांतर माध्य पूछ रहा है। हमने क्या बताया भाई आपको, हमने पद को x माना, बारंबारता को क्या माना भाई f माना, यानी क्या है बारंबारता को f माना। जब देखिए s यानी क्या भाई x और f जब दोनों मिल गया भाई, हमने क्या किया दोनों f गुणते x का गुणा किया, कितना आ गया भाई 5×6=30। जब के में 10 से गुणा किया भाई कितना आ गया 10 के, इसने क्या हो गया भाई 15×6=90। जब इसे जोड़ा भाई कितना आ गया 200, जब इसे जोड़ा भाई 25×5=125। देखिए जब 200 यानी 20 में 10 से गुणा किया 200, 25 में 5 से गुणा किया भाई 125, 15×6=90, 10 में के से गुणा किया भाई 10 के आ गया, यहाँ पे 5 में 6 से गुणा किया भाई 5×6=30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या भाई एफ एक्स है भाई, हमने क्या लिखा सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ है भाई, हमने इसे क्या लिखा सिग्मा एफ। अब हमने क्या किया भाई इसे जोड़ा 6×6=12 में 10 जोड़ा भाई 22, 22 में 5 जोड़ा भाई कितना आ गया 27, प्लस के है तो हमने भी प्लस के जोड़ा। अब क्या है भाई यानी 30 में 90 जोड़ा भाई कितना आ गया 120, कितना भाई 120, फिर कितना है भाई 200, फिर कितना है भाई 125, हमने जोड़ा कितना आ गया भाई यानी कितना 5×4 यानी कितना भाई आ गया 445, हमने इसे जोड़ा भाई कितना आ गया 445 प्लस, क्या है यहाँ पे बीच में 10 के है, हमने 10 के उतारा। हमने अभी आपको क्या लिखा है समांतर माध्य, क्या लिखा है भाई समांतर माध्य बराबर कितना होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ। हमने यही आपको सूत्र लिखा है ना, समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ, एफ कितना होता है सिग्मा एफ। यहाँ पे क्या भाई समांतर माध्य कितना है भाई 15, हमने समांतर माध्य के स्थान कितना उतारा भाई 15, यहाँ पे कितना है सिग्मा एफ एक्स कितना है भाई 445 प्लस कितना है भाई 10 के बटे, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ यही वाला है कितना आया भाई 27 प्लस कितना है भाई 27 के प्लस के, यानी कितना है भाई 27 प्लस के, कितना भाई 27 प्लस के। अब देखिए हमने क्या किया भाई क्रॉस गुणा किया, 15×7=105, हासिल लगम भाई कितना हो गया 10, 15×2=30, 30 में 10 जोड़ा भाई कितना आ गया 40, यानी कितना आ गया भाई 405 प्लस 15 में केस गुणा किया भाई कितना आ गया 15 के बराबर 445, 91 भाई 445 प्लस 10, 91 भाई कितना आ गया 10 के। अब देखिए
हमें क्या करना है, के घटाना है, अंकन घटाना है। अब यहाँ पे देखिए 15 के है, इधर भाई प्लस 10 के है, जब इधर आएगा भाई माइनस हो जाएगा, 15 के में 10 के घटाया कितना आ गया भाई 5 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए 445 है और ये क्या भाई 450 के में है, जब क्या है, जब 405 भाई इधर जाएगा माइनस होएगा, 445 में 405 गया भाई कितना आ गया 40 आ गया, कट रहा है भाई 5 8 40, के बराबर कितना आ गया भाई 8 आ गया, के बराबर कितना आ गया 8 आ गया। समांतर माध्य कितना था 15 और किसका मान पूछ रहा था भाई के का, के का मान कितना आ गया भाई 8। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों का क्या भाई, निम्नलिखित पदों का समांतर माध्य बताइए। क्या भाई समांतर माध्य में तीन ही प्रकार का सवाल पूछेगा, या तो सिंपल वाला पूछेगा, या तो क्या है भाई सारणी में पूछेगा, या भाई वर्ग अंतराल में पूछेगा, यही तीन टाइप का सवाल पूछेगा समांतर माध्य का। भाई हमें क्या है मन लगा के पढ़ना है, आप लोगों ने भाई क्या है पिछली क्लास में पढ़ चुका है, चार कोई 10 साल पहले पढ़ा होगा, कोई 4 साल पहले पढ़ा होगा, कोई 2 साल पहले पढ़ा होगा, कोई 3 साल पहले पढ़ा होगा। क्या है भाई ये सब सवाल क्या है, किसमें है, हाई स्कूल में है भाई ये सब क्या है भाई चैप्टर, मगर हमें क्या है लेखपाल में पढ़ना है। क्या भाई ये सब सवाल क्या है लेखपाल में पढ़ना है, ग्रुप डी में पढ़ना है, ये क्या भाई ये सब क्या एडवांस मैथ है, क्या भाई एडवांस मैथ है। देखिए सवाल क्या कह रहा है समांतर माध्य, अगर भाई आप लोगों को नौकरी करना है, अगर लेखपाल में नौकरी करना है भाई, क्या ये सब चैप्टर क्या भाई पढ़ना होगा, ये सब चैप्टर क्या भाई पढ़ना होगा। देखिए क्या पूछ रहा है भाई समांतर माध्य पूछ रहा है, यहां पे देखिए वर्ग अंतराल है, क्या भाई 0 से 10 है, क्या भाई 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से कितना है भाई 60 है। अब देखिए और बारंबारता कितना है भाई 8 है, 12 है, 6 है और क्या है भाई 4 है, फिर क्या है भाई 6 है, फिर क्या है 4। हमने बारंबारता को बताया भाई यफ से माना, क्या भाई बारंबारता को यफ माना। अब हम क्या भाई निकालेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या भाई मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु मतलब क्या होता भाई, देखिए मध्य बिंदु को हमने क्या माना भाई यक्स। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, इन दोनों जोड़ कर क्या करना है आधा, 0 में 10 जोड़ा भाई कितना आ गया 10, 10 का आधा कितना होता है भाई 5 होता है। अब क्या है 10 में 20 जोड़ा, अगर वर्ग अंतराल में दिया है भाई, पहले हमें क्या करना है मध्य बिंदु की निकालना है, दोनों को जोड़कर भाई आधा करना है। देखिए 0 में 10 जोड़ा कितना, 10 जोड़ा 10 का आधा कितना आ गया भाई 5 ना, देखिए 10 में 20 जोड़ा 30 आ गया, 30 का आधा कितना भाई 15, यहाँ पे 20 है 30, 30 का आधा कितना है भाई 50, यानी 20 में 30 जोड़ा भाई 50, 50 का आधा कितना भाई 25। अब क्या 30 में 40 जोड़ा 70, 70 का आधा कितना भाई 35। अब देखिए 40 में 50 जोड़ा 90, 90 का आधा भाई कितना 45। अब यहाँ पे कितना भाई 60, यानी 50, 50 में जब 60 जोड़ा भाई कितना आ गया 110, 110 का आधा कितना आ गया भाई 55, कितना आ गया भाई 55। जब हमने क्या बताया, अब एफ और एक्स मिल गया ना भाई, जब और एफ एक्स मिल जाए हमें क्या करना भाई दोनों का गुणा कर लेना है, दोनों का क्या भाई गुणा करना है, दोनों का क्या करना है भाई गुणा करना है। देखिए कितना है भाई, यहाँ पे एफ है हमने एफ उतारा, यहाँ पे एक्स है हमने एक्स उतारा, 5 8 40 यानी कितना 12 और 15 गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 180, यानी 5 6 30 हासिल लागम कितना भाई 3, 6 2 9 12 12 3 15 यानी 25 6 150। देखिए 5 6 20 हासिल लागम भाई 4 बचा 4 3 12 12 4 16। अब यहाँ पे देखिए 5 6 30 हासिल लागम 3, 4 6 24 24 3 27। अब यहाँ पे देखिए 5 6 20 हासिल कितना बचा 2, 5 24 20 2 22। अब देखिए भाई जब इसे हम यहाँ पे कितना भाई एफ एक्स है हमने कितना लिखा सिग्मा एफ एक्स, जब इसे भाई कुल जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 1000 आएगा, कितना 1000। और यहाँ पे क्या भाई एफ है हमने सिग्मा एफ उतारा, जब इसे कुल जोड़ेंगे भाई कितना आएगा भाई 40 आएगा। देखिए 12 8 20 10 10 20 यानी 30 हो गया, 30 10 40 कितना आ गया भाई 40। हमने समांतर माध्य का सूत्र लिखाया ना भाई, यही तो लिखाया है समांतर माध्य,
समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे कितना होता है, सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है भाई 1000, हमने 1000 रखा। नीचे देखिए सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान कितना आया है 40, हमने कितना लिखा भाई 40, एक जीरो से एक जीरो काटा कितना आ गया भाई 25, कितना आ गया भाई 25। समांतर माध्य पूछ रहा था कितना आ गया भाई, समांतर माध्य कितना आ गया 25। सवाल नंबर वाले बार हम फिर समझा देते हैं भाई, देखिए यहाँ पे कितना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है भाई 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, बारंबारता कितना है भाई 8 है, 12 है, 6 है, 4 है, फिर 6 है, फिर कितना है भाई 4। अब देखिए हमने मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है भाई, दोनों यानी सब का जोड़कर क्या करना है यहाँ पे आधा करना है, यानी 0 में 10 जोड़ा यानी 10 आ गया, 10 का आधा कितना भाई 5, 10 में 20 जोड़ा 30 आ गया, 30 का आधा 15, यानी 20 में 30 जोड़ा 50, 50 का आधा 25, क्या भाई ऐसे सबको कर लेना है, यानी क्या है वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा कर लेना है। अब जब एफ और एक्स दोनों मिल गया भाई, हमें क्या करना है दोनों का गुणा करना है, 8 पन 40, 12 और 15 गुणा करेंगे 180 आएगा, 6 में 25 से गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 150 आएगा, 4 में 35 से गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 140 आएगा, 6 में 45 से गुणा करेंगे भाई 270 आएगा, और 4 में भाई 55 से गुणा किया कितना आ गया 220 आ गया, कितना भाई 220। अब क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स है, हमने कितना लिख लिया भाई सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे एफ है, हमने कितना लिखा भाई सिग्मा एफ। अब सब यानी क्या है, बारंबारता को जोड़ा कितना आ गया भाई 40, एफ और एक्स को जोड़ा कितना आ गया भाई 1000। समांतर माध्य पूछ रहा है, समांतर माध्य का सूत्र हमने लिखा है भाई सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ, यहां पे सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है भाई 1000, यहां पे देखिए सिग्मा एफ है, नीचे एफ का मान कितना है भाई 40, हमने एक जीरो से जीरो काटा 25 का 112, यानी समांतर माध्य कितना आ गया भाई 25। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित पदों का क्या भाई माध्यिका बताना है, इसमें भी तीन ही प्रकार का सवाल पूछेगा, या तो सिंपल वाला पूछे भाई, सिंपल मतलब क्या होता है जैसे 4 6 8, 4 3 5 की क्या भाई माध्यिका पूछा है, मैंने आपको भाई पहले पार्ट में बता दिया ये सब, सिंपल वाला जितना भी सवाल है, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे बहुलक हो, चाहे कुछ भी हो भाई, हमने क्या है इसमें पहले पार्ट में सब सिंपल वाला बताया, अब क्या भाई सारणी वाला बता रहा हूं, उसके बाद क्या भाई वर्ग अंतराल पाएगा, यहां पे क्या कह रहा है भाई माध्यिका बताना है, क्या भाई माध्यिका बताना है, यहां पे पद है, यहां पे बारंबारता है भाई, हमने क्या लिखा है पद को हमने क्या माना भाई एक्स माना, और बारंबारता को क्या माना है भाई पाई यानी एफ माना है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है भाई संचयी बारंबारता निकालना है, क्या भाई संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता को भाई सी एफ कहते हैं, यहां पे लिख लिया संचयी बारंबारता, क्या भाई संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता मतलब क्या होता है भाई सी एफ होता है, क्या होता है सी एफ। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे 8 है तो हमने 8 उतारा, अब क्या तिरछा, अब क्या है 10 में 8 जोड़ा भाई कितना हो गया 18, कितना भाई 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 11 जोड़ा भाई कितना आ गया 29, अब 29 में कितना भाई कितना 26 जोड़ेंगे, 29 में जब 26 जोड़ा कितना आ गया भाई 45 आ गया, कितना भाई 45 आ गया, अब 45 में भाई 20 जोड़ा कितना आ गया 65 आ गया, 65 में भाई कितना 65 में 25 जोड़ा कितना आ गया भाई 90 आ गया, 90 में 5 यानी 15 जोड़ा भाई कितना आ गया 105 आ गया, कितना भाई 105 आ गया, 105 में भाई 9 जोड़ा 114 आ गया, 114 में 6 जोड़ा भाई कितना आ गया 120, यानी लास्ट में जोड़ा भाई कितना आ रहा है 120 आ रहा है, हमने कितना माना भाई n बराबर 120, कितना भाई n बराबर 120। अब क्या करना है भाई 120 में क्या करना है, 2 से भाग देंगे कितना आ गया भाई 60 आ गया, कितना आ गया भाई
भाई 60 आ गया। अब हमें देखना है 60 किस गिनती में आएगा, 60 किसके बीच में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 65 है, इसी दोनों के बीच में तो आएगा। यानी क्या भाई, 45 और 65 की ही के तो बीच में 60 आएगा। हमें क्या करना है, अब भाई हमें क्या करना है, बड़ा वाला क्या भाई, बड़े वाले अंक को क्या भाई चिन्हित लगा लेना है। यहाँ पे कितना है, 45 और 65, इसी दोनों के बीच में तो ये 60 आएगा भाई। क्या इसी दोनों के बीच में तो 60 आएगा। हमें छोटा वाला नहीं लेना है भाई, हमें जो बड़ा वाला मान होगा हमें क्या करना है, उसी को लेना है। अब क्या करना है भाई, इसी के सामने पद वाला कौन सा है भाई, 5 है, तो इसकी माध्यिका कितनी आ गए भाई, 5 आ गई। सवाल है नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों की क्या भाई माध्यिका बताना है, निम्नलिखित पदों की माध्यिका बताना है। अब देखिए हमने क्या लिखा भाई, पद को x माना, बारंबारता को f माना। जब भी माध्यिका पूछे भाई, जब माध्यिका पूछे सारणी में हो, हमें उसके क्या निकालना है भाई, हमें संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता मतलब क्या होता है भाई, संचयी बारंबारता क्या भाई, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को क्या कहते हैं भाई, सीएफ कहते हैं। क्या भाई, सीएफ कहते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा भाई, संचयी बारंबारता निकालना है भाई। यहाँ पे 7 है भाई, हमने 7 उतारा। अब क्या करना है, तिरछा तिरछा गुणा करना है। 7 में 9 जोड़ा भाई कितना आ गया, 16। 16 में 10 जोड़ा भाई कितना आ गया, 26। 26 में 13 जोड़ा भाई कितना आ गया, 39। 39 में भाई 11 जोड़ा कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया भाई, 50। जो लास्ट में आएगा भाई, हमें इसे क्या मान लेना है, यन। यन बराबर कितना आ गया भाई, 50 आ गया। अब क्या करना है भाई, 50 में हमें 2 से भाग कर देना है, कितना आ गया भाई, 25। अब देखना है 25 किसके किसके बीच में है। देखिए क्या है भाई, 16 और 26 ही के तो बीच में है। क्या भाई, 25 किसके बीच में है, 16 और 26 के बीच में है ना। हमें क्या करना है भाई, छोटा वाला छोड़ देना है, जो बड़ा वाला मान होगा भाई हमें क्या करना है, उसी को चिन्हित कर लेना है। इसी के सामने जस्ट जो पद वाला भाग होगा भाई, वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। यानी माध्यिका कितना आ गया भाई, माध्यिका कितना आ गया भाई, 50। क्या भाई, 50 भाई। क्या है, यही सब इंपॉर्टेंट है। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। क्या है, तन के मोहब्बत में तपाए बैठे हैं। क्या भाई, शर्त। क्या, तन के मोहब्बत में तपाए बैठे हैं, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। क्या भाई, जब तुम पढ़ोगे, जब तुम लिखोगे, क्या भाई जब तुम नौकरी पाओगे तभी क्या है तुम, क्या जब बॉर्डर पे तुम क्या भाई भारत माँ की सेवा करोगे तभी क्या है तुम, क्या है मौत को शर्त से लगाओगे। जय हिंद, जय भारत।